ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो एक क्वेश्चन आया मॉडर्न फिलोसफर से, ठीक है, तो आई थॉट के शुक्र है एक आया, तो व्हाट इफ के अगले साल अगर चार आ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही बेसिक कवर कर चुके हुए हैं, तो फिर एक वीक में एक लेक्चर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, फिर ये भी एक हमारे यहाँ एक नैरेटिव होता है जी कि ये मैंने किया हुआ था और ये नहीं किया हुआ था, तो ताकि स्टूडेंट्स को कोई वो ना मिले, बहाना ना मिले कि जी ये हमने नहीं किया हुआ था। और हफ्ते में हमारा ये एक लेक्चर होगा तो ये तकरीबन 2 माह में हम ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपना जो रेगुलर सेशन चल रहा है वो चलाते रहेंगे, और ये एडिशनल एक क्लास एक वीक में हुआ करेगी, तो आप लोग भी साथ साथ ले लेंगे। और ये जितने भी सारे लेक्चर्स हैं, ये न्यू जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे जो है ये फिर बाद में ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं लेकिन उनको समझ थोड़ी बहुत आएगी, जो बिगिनर्स हैं खास तौर, तो फिर ये कि आप लेटर ऑन भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। और लेक्चर के बाद जो है जी, पेपर के बाद जो है सॉरी लेक्चर के बाद इसके जो नोट्स हैं, हैंड आउट्स वगैरह, ठीक है, वो भी पेज के ऊपर जो है जाविया का जो पेज है फेसबुक का या इंस्टा का, उसके ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग वहां से इसी को पढ़ने के लिए, री रीड करने के लिए वो नोट्स वगैरह जो है वो भी आप वहां से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। डन हो गया जी, ठीक। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस पेपर टू के बारे में बात कर लें, पेपर टू के बारे में बात जो है वो पेपर वन और टू दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है जी कि उसके लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखें 2000 ये 23 का हुआ है सीएसएस के 22 का हुआ है, 22 का हुआ है, 21 का अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर टू, तो 5 सवाल उसने आईआर के पोर्शन से दे दिए। इस दफा उसने जो है वो पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशंस है वो दे दिया, और वो जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं, तो अब ये 2 सवाल वो थे जो आपने किसी ने भी नहीं किए होंगे। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रख ले कि सीएसएस की जो डायनामिक्स है, जिन्होंने जिनको भी बिगिनर्स हैं उनको भी और जिन्होंने अटेम्प्ट दे लिए उनको भी पता लग गया होगा कि किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं वो चीजें आएंगी जो आपने शायद जिंदगी में तैयार नहीं की होंगी, तो इसके लिए आप पहले से रेडी होके जाएं। ये जो एक नैरेटिव होता है ना कि जी मैंने 4 सवाल किए थे और वो आ गए, तो अब इसका मतलब है अगर आपने 4 किए हुए थे और वो आए कई है, तो अगर नंबर आते हैं 100 में से 25, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी है ना कि अगर मेरा करवाया हुआ कंटेंट आपको 25 नंबर दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर वो कंटेंट क्या है उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन लास्ट ईयर भी यही हुआ कि पेपर टू में जो बच्चे सेल्फ राइटिंग करके आए थे, जिन्होंने ये देखा कि चलो ये सवाल हमने नहीं किया हुआ लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर नहीं है, वो स्टूडेंट्स ने पेपर टू में बहुत अच्छा स्कोर भी किया, तो ये आपने जरा माइंड में रखना है, ठीक है, कि इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से, इसी जिसको कहते हैं ना प्रोपोगेंडा, या इस ये जो छोटी सोच है कि जी मतलब स्टूडेंट के परस्पेक्टिव में मैं बात करूँ, छोटी सोच से मुराद वैसे छोटी नहीं, छोटी सोच से मुराद है कि यार ये सवाल नहीं किया हुआ था और ये आ गया, इससे बचने के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है कि शुक्र है कि अभी उसने एक सवाल दिया है, व्हाट इफ नेक्स्ट ईयर वो 4 दे दे मॉडर्न फिलोसफर्स में से, फिर आप क्या करेंगे। तो ये ना कोई करवाता है ना कोई करता है, ये आप भी पुराने स्टूडेंट्स को आइडिया है कि किसी भी पॉलिटिकल साइंस के सेशन में ये चीजें कवर नहीं होती, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो शुक्र है बच गए, अभी टाइम है हमारे पास, तो फिर हम क्या कर ले इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। अदरवाइज आपको पता है अगर हम अपने सेशन में इनको करते हैं तो फिर इट विल टेक लाइक 4 मंथ्स 3 मंथ्स टू कवर पॉलिटिकल साइंस, तो वो आपको भी पता है कि ना टीचर कमर्शियली टीचर के लिए वो वायबल है और ना स्टूडेंट के लिए वायबल है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं ना, कौन बंदा है जो 3 से 4 माह सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को या फिलोसफी को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हर यहाँ तो लोग आते हैं वो कहते हैं कि 15 दिन में हमें आप करवा दें, ठीक है, 20 दिन में करवा दें, ठीक है। और दूसरा एक और चीज है, जो बच्चे फिलोसफी से भाग रहे हैं कि जी नहीं 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 मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है, तो अब ये जो इस दफा सवाल दे दिया उसने डिकार्ट पे, या उस पे क्या नाम है उसका, एक और भी सवाल आया, एक ही 10 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो यहां से एक और भी लेसन है कि जिन्होंने फिलॉसफी से भागना है वो जितना मर्जी भाग लें, फिलॉसफी आपके पीछे पीछे है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भागने की बजाय
ये सारे जो फिलोसफर आप कर रहे हैं ये फिलोसफी का ही कोर्स है आपका बेसिक, ठीक है। तो स्ट्रांग होके थोड़ा थोड़ा अपने आप को होराइजन दिमाग का बड़ा करके तो आप लोग अब फिलोसफी को एम्ब्रेस कर लें, ताकि आपका 200 का पोल साइंस है, 100 का सार फिलोसफी है, तो 300 नंबर आपका एक ही डोमेन से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर, और अगर आप जी एग्जिस्टेंशियलिज्म पे आया, बिल्कुल सार्तर, जेन पॉल सार्तर, तो वो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके उसके ऊपर, फिलोसफी का ये सारा कोर्स है बेसिक। तो इसलिए फिर आप फिलोसफी से अगर आप भागेंगे तो फिर वो आपको किसी ना किसी तरीके से क्या करेगी, उसमें हंट करना ही करना है आपको। तो आप जितना उसके भागेंगे उतना ही आप जो है उससे फिर वो परेशान भी करेंगे। तो वो वन वे और द अदर वे फिलोसफी आपके सामने आनी आनी, ठीक है जी। सर प्लस की नहीं दी सर, सॉरी प्लस की सर नहीं दी। कोई बात नहीं, तो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि हर बच्चे ने फिलोसफी नहीं रखनी, तो जिन्होंने नहीं रखनी वो कम से कम इन फिलोसफर्स को पॉलिटिकल साइंस के परस्पेक्टिव में तो तैयार करें ना, ये तो अब फर्ज हो गया ना, ठीक है। जरूरी नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि जो बच्चे फिलोसफी रखना चाहते होते हैं लेकिन वो थोड़ा डरते हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि नाउ एग्जामिनर ने एक विंडो ओपन की है कि भाई मैंने अब ये वाले मॉडर्न फिलोसफर्स को दे सकता हूँ, तो तैयार कर लो। तो मेरा ये कहने का मकसद है, जब तैयार कर लिए तो फिर वो उसको पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट जो फिलोसफी का है अगर उसमें कन्वर्ट कर लो तो उसमें बुराई भी कोई नहीं है और उसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगेगी, ये मैं बात कर रहा जी। ये हमारा लेक्चर जो है ये हर वीक में होगा, एक लेक्चर जो है, क्योंकि ज्यादा इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि फिर वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो एक वीक में एक लेक्चर, ठीक है, फिलोसफी को थोड़ा हजम करके उसके ऊपर बात करके, तो नेक्स्ट वीक जो है वो आप आ जाइए, इसी तरह ऑनलाइन ऑन कैंपस जो है वो हुआ करेगा। और जो टाइम है उसका वो जरूरी नहीं कि यही टाइम हो या मंडे ही हो हर दफा, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये कि पेज आप हमारा फेसबुक का पेज है या एडमिन का नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको मिलती रहेगी। डन हो गया जी। जी किसी और का तो अच्छा, जिनका क्लास ज्वाइन नहीं हो रही वो असल में हमारी लिमिट है स्टूडेंट्स की 100, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो बाद में यूट्यूब के ऊपर हो जाएगा अपलोड, तो वहां से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, और तो कोई मसला नहीं है जी, ठीक है। तो बाकी बाकी मैं तो इस चीज का कायल नहीं हूं, मैंने अभी मेरे से लास्ट दिन में बच्चों ने पूछा कि आपके गेस्ट दे दें, ठीक है। मैं अपनी क्लास में भी और वैसे भी कहता हूँ कि मजा ये है कि जो नहीं पढ़ाया, ठीक है, जो नहीं पढ़ाया क्या आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पढ़ाया हुआ ही करना है तो फिर आपको चाहिए मैट्रिक इंटर और बीए के जो पेपर है वो देखें, तो उधर आप ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। आप पाक अफेयर्स उठाएं, करंट अफेयर्स उठाएं, इस्लामियात उठाएं, कोई पेपर उठा के देख लें आप, ठीक है। तो उसमें कभी भी ये नहीं होगा कि आपने जो तैयारी की हुई है बिल्कुल उसी के अंदर आएगा, उसके बाहर भी जाएगा, लेकिन वो इतना बाहर नहीं जाएगा कि वो जमीन से निकल के तो मार्स में चला जाए, वो रहेगा जमीन के अंदर ही, बाकी वो इधर उधर होता है। तो फिर आप सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स का डायलमा है, जब वो तैयारी का टाइम होता है उस टाइम वो कहता है सर शॉर्टकट दे दे, और जब पेपर आता है तो उस टाइम वो कहता है कि ये तो आपने कराया नहीं। तो अभी 13 महीने हैं, 12 महीने हैं, तो अभी जिस जिस को भी लगता है ना कि पेपर की डायनामिक्स चेंज हो गई है, सही है, तो बाद में आप अपने टीचर्स और एकेडमीज को बैश करने की बजाय, आपकी अपनी लाइफ है ना, तो इसको आप खुद क्या करें, प्रोटेक्ट करें। अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सोशियोलॉजी के पेपर में। सोशियोलॉजी के पेपर में उसने पता क्या सवाल दिया, व्हाट इज प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, व्हाट इज हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड व्हाट इज एलेगरी ऑफ केव। अब मुझे बता दें दुनिया का कौन सा सोशियोलॉजिस्ट होगा जिसने अपने बच्चे को तैयार करके भेजा होगा कि बेटा प्लेटो पर क्या आएगा सवाल आएगा। तो जिनकी पॉलिटिकल साइंस थी उन्होंने, या फिलोसफी थी उन्होंने फिलोसफी का नॉलेज उठा के कहाँ लगा दिया, सोशियोलॉजी में। तो ये और इस तरह पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, अगर ये सवाल आ गया तो दैट डज नॉट मेक मी अ बैड टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जी मैंने तो वो नहीं कराया हुआ अपने उसमें सिलेबस में नहीं कराया हुआ, ठीक है। तो और दूसरा एक बहुत अहम बात, एक ना इंसान की नफसियात है कि अगर 7 में से उसको 4 सवाल आते हैं ना, वो उसने करके जो एक सवाल वो आया हुआ है ना जो उसने नहीं किया हुआ, तो बाहर आके वो पता है क्या डिस्कस करेगा, वो वाला सवाल डिस्कस करेगा जो उसने किया भी नहीं और उसने पहले भी किया हुआ नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे ने इस दफा बात की कि जी डिकार्ट्स पे सवाल आ गया जो आज हम करने जा रहे हैं, आई थिंक देयर फॉर आई एम, आप अभी पेपर निकाले उसके बगैर 4 सवाल पूरे होते हैं या
नहीं होते, चार सवाल बिल्कुल थॉरली क्या होते, पूरे होते। तो चार सबने किए वो हैं, लेकिन डिस्कस बाहर आके क्या किया है कि डिकार्ड आ गया और ये तो हमने किया ही नहीं था। तो ये एक इंसान की थोड़ी नफ्सियात का भी प्रॉब्लम है। तो खैर, इन चीजों से बचने के लिए, सीएसएस की जो एक्सपैंडिंग डायनामिक्स है, इनसे बचने के लिए या इनको सेफ होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी हार्डवर्क और अपना जो पढ़ने का दायरा कार है उसको बढ़ाएं, रादर देन कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। तो यू नो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपने देखा होगा, जब जब भी पेपर आ रहे थे तो दो साइड फायरिंग हो रही थी। एक तरफ टीचर्स लगा रहे थे कि ये चार सवाल मैंने कराए ये पेपर में आ गए, और दूसरी तरफ बच्चे पोस्ट कर रहे थे कि ये चार सवाल हमने नहीं कराए गए थे और ये आ गए। तो इन दोनों चीजों का सलूशन यही है, ठीक है, कि आप लोग अपनी मेहनत और अपना काम जो है वो करें। बाय द एंड ऑफ द डे आप किसी को गालियां निकाल के सेटिस्फाई तो हो जाएंगे, लेकिन वो आपको पास फेलियर से निकाल के तो पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका बेहतरीन हल है कि राइट नाउ इज द टाइम, ठीक है, जब आप आखिरी दो महीनों में आपको जोश आता है ना पढ़ाई का, और सारे साल जो आपने टाइम जाया किया होता है वो एंड पे फिर आपके ऊपर एक टेंशन बन के सवार होता है। उसका बेहतरीन हल है कि अभी के अभी आप क्या करेंगे, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से। जी जी, डन हो गया जी। चलें जी, करते हैं हम स्टार्ट जी, ठीक है। आज का जी हमारा टॉपिक है, ये एक फ्रेज है, I think therefore I am। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लीज पहले ये डायग्राम बना लें एक दफा, ठीक है, ताकि फिर इसके अंदर हम अपनी जो बात है उसको शुरू करेंगे। और फिलोसफर का नाम है रेने डिकार्ट, डिकार्ट्स, ठीक है, और इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, ठीक है, फ्रेंच फिलोसफर है ये। और एक बात और मैं आखिरी करके फिर अपनी बात शुरू करता हूँ, आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि हम एक क्लास में भी बात करते हैं, और मैं बच्चों से पूछता भी हूँ कि किसी फिलोसफर की जब आप पॉलिटिकल फिलोसफी करते हो तो क्या उसकी बेसिक फिलोसफी पीछे आपको पता होती है या नहीं होती। तो उसका एक टेस्ट हमने रखा हुआ है कि यू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज कि प्लेटो की आइडियल स्टेट को आइडियल क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब आप ढूंढ लीजिए मार्केट से, 99% टीचर्स एंड 99% स्टूडेंट्स वो आपको इसका एक जवाब देंगे कि चूंकि प्लेटो की आइडियल स्टेट प्रैक्टिकेबल नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं। तो जब इस माइंडसेट से लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो फिर उनको जब इस तरह के सवाल करने पड़ते हैं ना या कराने पड़ते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने दो वर्ड्स पढ़े ही नहीं है जिंदगी में कभी कि मेटाफिजिक्स क्या होती है और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, तो फिर यू डू नॉट हैव एनी राइट। जब आप मेंटली इतने वो बन गए हैं ना कि आपने एक एमए की किताब उठा के उसकी 15 हेडिंग्स याद करके तो आप पेपर देने गए हैं, तो बाहर आके फिर आपका क्लेम करना बनता नहीं है कि जी पेपर जो है वो ऐसा हो गया या वैसा हो गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो जिस चीज की जो जेस्ट है उसको आप कवर नहीं करते तो फिर सॉरी टू से नो वन कैन हेल्प। समझ आ रही है ना बात की? तो हमने ये क्लास में एक दफा नहीं, बड़े सालों से मैंने ये टेस्ट लगाया हुआ है ना, तो आपने भी बड़ी जगहों से लेक्चर्स वगैरह सुने होंगे। तो 99% लोग फिलोसफी को और पॉलिटिकल फिलोसफी को क्लब नहीं कर सकते, ना स्टूडेंट्स और ना टीचर्स। उसकी वजह एक तो हमारा ओवरऑल ही हम फिलोसफिकल माइंडसेट नहीं है हमारा, ठीक है। दूसरा, बच्चा आता है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के बैकग्राउंड से तो उसको बताया जाता है कि जो पाक अफेयर्स या इस्लामियात का सिलेबस है ना उसकी डायनामिक्स और आईआर की पॉलिटिकल साइंस की भी डायनामिक्स वही है कि जिस तरह उधर किसी चीज की 15 मसलन की जी मुस्लिम उम्मा के क्या मसाइल हैं तो वो 10-12-15 मसाइल हैं वो आप याद कर लेते हो, कोई अच्छे कर लेते हैं कोई बुरे कर लेते हैं। लेकिन प्लेटो की आइडियल स्टेट क्यों आइडियल है, इट इज अ टेक्निकल जो है फिलोसफिकल इंक्वायरी इसके लिए चाहिए। इसके लिए सिंपल इसकी कोई दो हेडिंग्स नहीं है, इसके लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड के पीछे मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की डिबेट है क्या। तो जब आप ये वर्ड्स में दिलचस्पी नहीं लेते, व्हेन यू डू नॉट डू और कमिट द फिलोसफी, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, मीडियोक्रेसी। वो आपके जो नोट्स होते हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल होती है कि व्हाट इज वी कॉल द मीडियोक्रेसी। डन होगी बात? तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं
पर्टिकुलरली मेरे जो मुझसे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, मैं उनको कहूंगा कि अभी भी अगर अगर आपने अपने फिलोसफर्स जितने भी किए हुए, अगर आपने उनको वो वेटेज नहीं दी जो देनी चाहिए थी, तो फिर राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, ताकि एंड पे रोने से बेहतर है कि आप पहले क्या कर लें, कवर कर लें। और मैं फिर दोबारा कह दूं कि ये जो पूरी मैंने रखा है सेशन, इसका सिर्फ एक मकसद है कि स्टूडेंट के पास बाय द एंड ऑफ द ईयर बहाना ना कि यार ये तो किसी बंदे ने हमें करवाए नहीं है, अब करवा में रहो ठीक है, तो आगे फिर करना ना करना, उसको कितना अच्छा करना है कितना अच्छा नहीं करना, ये फिर आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। और जिन्होंने अटेम्प्ट दी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, डू नॉट लाई टू द पीपल, झूठ लोगों से मत बोले, लोगों को मोटिवेट मत करें ठीक है, सिर्फ एक बात बताएं उनको जो आपके साथ हुई है पेपरों में, और वो ये है कि जी हमारे 3 सवाल हुए, हमारे 2.5 सवाल हुए, क्यों, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हुई। तो जो बिगिनर्स हैं इनको इस चीज पर इनका दिमाग ना खराब करें आप कि बहुत अच्छे पेपर हुए और मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की हुई थी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो हर बंदे को पता होता है कि मेरा 4था सवाल या रह गया, और जो अगर हुआ भी है तो वो मैंने 3 पेजेस के ऊपर सिर्फ गंदी मंदी लाइनें लगा के तो वो किया है ठीक है। तो ये हमारा एक मसला हो गया ना, ऑनलाइन का दुनिया आ गई, अभी इधर सर्वे करवा लेंगे तो बच्चों से पूछूंगा पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढ़ा है, आधे निकलेंगे यूट्यूब से किया है, आधे कहेंगे मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए। तो पेपर की नोयत क्या है, रिटन। तो पूछेंगे आप किसी बच्चे से कि आपने लिखा है अपना सब्जेक्ट, तो वो आपको बच्चे मिलेंगे 1% 2%, और वो भी हम टीचर्स ने क्या किया है, एक गेम कर ली है, बच्चे को क्लास में जब वो आए तो उसको बताना ही नहीं है कि लिखते भी हैं, और उसको तैयार करना है अपने 2-4 हज़ार रुपए की दिहाड़ी के लिए, ताकि वो दिसंबर में आके आपको क्या दे, मॉक्स दे दे। तो दिसंबर में मॉक्स देने से ज्यादा मामला हल नहीं होते, जिन्होंने अटेम्प्ट दे लिए खास तौर पर अभी टाइम है, मैं फिर कह रहा हूँ अभी टाइम है कि अब लिखना शुरू करें आप, 1-2 माह के बाद थोड़ा पढ़ के लिखते जाए लिखते जाए, और फिर आप जाके पूछेगा। वो मैंने ना एक पेज बनाया था कुछ अर्सा पहले अटेम्प्ट से कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ना, तो उसके ऊपर इसी तरह के डायग्राम्स और वो लिखा, तो एक बच्चा कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर में आप क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो मेरी जान जब आप 12 फरवरी को, सॉरी 12 जनवरी को लिखना शुरू करते हैं ना, तो फिर पॉसिबल नहीं है। जब आप अब शुरू करोगे ना ठीक है, और फिर 1 साल पूरा लिखोगे बैठ के, तो फिर आप देखेंगे कि उसके ऊपर मार्कर छोड़ के आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि ये पेपर मेरा है ही नहीं, ये किसी और का पेपर है, बिकॉज उसके अंदर साफ सुथरा भी हो जाएगा, हैंडराइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, और जो डायग्राम्स मैप्स फ्लो चार्ट्स बनाना है वो भी आपको आ चुका होगा। डन होगा जी ठीक है यार, बाद में ना कर ले ठीक है, अभी फिर स्टार्ट कर, बच्चों ने कहना है कि तुसी पहले होर लेक्चर स्टार्ट कर देता ठीक है, क्लास के बाद आप इधर ही है ना, बट डन ले जी स्टार्ट करते हम। ये जी फ्रेज है आई थिंक देयर फॉर आई एम, अब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 वर्ड्स के साथ है, और 2 वर्ड्स है, एक वर्ड है रियलिटी और एक वर्ड है परसेप्शन। डेकार्ट्स ने एक सवाल उठाया, और सवाल क्या था कि हकीकत क्या है और हम उस हकीकत का इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो बड़ा एक ऑब्वियस जवाब है कि दुनिया के अंदर हर वो चीज जो नजर आती है, जो दिखाई देती है, वो जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, वो रियलिटी है। तो इसके जवाब में हमने एक फिलोसफर पहले ही पढ़ा हुआ है और उसका नाम है प्लेटो, और इफ यू रिमेम्बर प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव, तो वो आपको मैं दोबारा से उसके डायग्राम बना देता हूँ, क्रॉस रेफरेंस के तौर पर प्लेटो यहां पर आएगा, और जिसको प्लेटो आता है उसको डिकार्ट्स भी आता है, क्यों, जब वो बनाता है एलेगरी ऑफ द केव तो उसमें वो आपको बताता है कि बहुत सारे लोग जो अपनी आंखों के सामने पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को क्या मान लेते हैं, रियलिटी मान लेते हैं, उनको कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये जो मुझे सामने नजर आ रहा था ये हकीकत नहीं थी, बल्कि ये शेडो ऑफ द रियलिटी था, ये इमेज ऑफ द रियलिटी था, बल्कि फिर आप वर्ड कौन सा यूज करोगे, ये जस्ट क्या थी आपकी, परसेप्शन थी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड परसेप्शन, ये बट आई बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, वो ट्रू है या नहीं है ये एक बिल्कुल ही क्या है, सेपरेट मैटर।
तो जिस तरह वहां पर हमें पता चला था कि जो इंसान की सेंसेस होती है वो इंसान को रिलायबल नॉलेज नहीं देती, तो बिल्कुल इसी तरह डिकार्ट्स भी कहते हैं कि हमारे पास जितना भी इल्म आता है थ्रू द सेंसेस, वो बाज औकात क्या होता है, फैलिएबल होता है, वो उसके अंदर जो है वो एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी वजह से पहला पॉइंट जो आपने अपने उसमें लेना है वो ये लेना है कि लाइक प्लेटो, डेकार्ट्स ने क्या किया, ही रिजेक्टेड द सेंसेस एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। सेंसरी नॉलेज जो है उसकी जगह नहीं है, वो डूबियस हो सकता है, वो कोई हेलुसिनेशन हो सकती है, वो कोई ख्वाब हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकता है, वो कोई साया हो सकता है, वो कोई शेडो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं हो सकता। और इसके लिए एक और वो एग्जाम्पल जो उसने खुद अपनी राइटिंग में यूज की है, वो कहता है कि मैं रात को अगर सोता हूं तो जो मुझे चीजें ड्रीम में आ रही हैं, अब वो चीजें इस किताब की तरह, इस मार्कर की तरह, इस बोर्ड की तरह सॉलिड तो नहीं है, क्योंकि वो क्या था, ख्वाब था। तो वो कहता है फिर मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दीवार भी एक ख्वाब ना हो, शायद ये डाइस बोर्ड भी क्या हो एक ख्वाब ना हो, शायद ये व्हाइट बोर्ड भी क्या हो एक ख्वाब ना हो। और वो इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म, डाउट, हर चीज के ऊपर क्या करना, डाउट करना। तो वो कहते हैं फिर आप करें क्या, अगर सेंसेस भी रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है तो फिर करें क्या। तो उसके लिए वो एक ही तरीका बताता है और वो ये कहता है कि आपने दुनिया की हर चीज को क्या करना है, डाउट करना है, स्केप्टिसिज्म इसको बोलते हैं, डाउट और स्केप्टिसिज्म। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, इस डायग्राम के अंदर अगर आप गौर से देखें तो दो वर्ड्स हर लेयर के अंदर मौजूद है, एक रियलिटी और एक परसेप्शन, एक रियलिटी और एक परसेप्शन, और एक परसेप्शन एंड रियलिटी। इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाहता हूं कि जब हम 10 साल के होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम क्या मानते हैं, रियलिटी मानते हैं, लेकिन जब हम एज में ग्रो होते हैं तो हमारे ओल्ड बिलीफ्स, इन शॉर्ट मैं बिलीफ नहीं वर्ड यूज करूंगा, मैं कहूंगा हमारी रियलिटीज, वो क्या हो जाती है, शैटर हो जाती है, वैनिश हो जाती है, और उसके बाद हम अपने आप को थोड़ा अक्लमंद मान के तो जिंदगी की एक नई रियलिटी क्या कर लेते, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली यू रियलाइज कि ये भी क्या है, ये भी हकीकत नहीं है। तो यही है उसका डाउट कि जब आपने इन चीजों पर डाउट किया तो पता चला ये हकीकत नहीं है, लेकिन उसकी जगह फिर आपने कुछ क्या कर लिया, न्यू रियलिटीज बना ली। लेकिन अगर आप उन पर भी डाउट करोगे तो पता चलेगा कि वो भी क्या है, रियलिटी नहीं है, और उसके बाद आगे आप किसी और हकीकत के ऊपर, तो जब आप उन पर भी डाउट करोगे तो पता चलता है कि वो भी रियलिटी नहीं है। उसके बाद अब वो आता है फाइनल वर्ड के ऊपर, और फाइनल वर्ड क्या है, फाइनल वर्ड ये कहता है कि क्या मैं भी हूं या नहीं हूं। वो अपने ऊपर भी डाउट करना शुरू कर देता है कि क्या मैं भी मौजूद, या इधर जो आपके सामने ये वकास खड़ा है, या आप खुद इधर बैठे हो, क्या ये भी ये ना हो बाद में पता चले कि ये भी क्या था, एक ख्वाब था, एक हेलुसिनेशन थी, एक इमेज था। तो वो कहता है ठीक है फिर हम क्या कर लेते हैं, सच को जानना चाहते हैं ना, तो बेहतरीन तरीका क्या है कि हम अपने ऊपर भी क्या करें, डाउट कर लेते। जब अपने ऊपर डाउट किया तो वो कहता है अब मेरा जो अपना आप है वो कितनी चीजों पर मुश्तमिल है, दो चीजों के ऊपर। इसको आपने नाम देना हैडिंग वाइज माइंड बॉडी डुअलिज्म। जी, एक हमारी बॉडी है जो फिजिकल इन नेचर है, मटेरियल इन नेचर है, इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा देता हूं आपको, जो फिजिकल इन नेचर है, जो करेक्टर अपना क्या कहते हैं टेंजिबल इन नेचर है, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, और फिनाइट है, इनफिनाइट नहीं, फिनाइट, लिमिटेड है। कोई भी दुनिया की कोई चीज जो मादी होती है वो एक मखसूस जगह पर जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक खास टाइम एंड स्पेस में वो क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती। दुनिया की हर मटेरियल एंड टेंजिबल चीज क्या होती है, डिफाइंड, कर्टेल्ड एंड लिमिटेड, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक क्या करती है, स्पेस को घेरती है,
एक स्पेसिफिक जगह पर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर हो गई बात? तो वो कहता है कि मेरी जो बॉडी का पार्ट है इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, डाउट कर रहा हूं, शायद ये भी क्या हो, ये भी कोई शेडो ना हो, कोई इमेज ना हो, कोई कोई फॉल्सिफाइड, कोई हेलुसिनेटेड, कोई इस तरह का कोई ड्रीम ना हो जिसको मैं क्या कर रहा हूं, लिव ना कर रहा हूं। बाद में पता चले कि ये भी तो कोई चीज नहीं है। उसके बाद वो कहता है दूसरी चीज जो आपके पास है वो क्या है, वो है आपका, तो यहां लिख लीजिए, बॉडी इज फिजिकल जबकि माइंड जो है वो क्या है, वो नॉन फिजिकल है। माइंड क्या है, नॉन फिजिकल है, इनटेंजिबल है, और माइंड बॉडी इज मैटर व्हाइल माइंड इज थॉट। माइंड क्या है, थॉट। जी, वो जब ये डाउट कर रहा है ना अपने आप के ऊपर, वो कहता है यार मेरी जो सोच है इवन वो भी तो क्या हो सकती है, फॉल्सिफाइड हो सकती है। तो इसको वो एक नाम देता है कि कोई हेवनली डीमन है, कैपिटल में डी लिखिएगा, डीमन, डी ई एम ओ एन, वो मुझे मिसगाइड भी तो कर सकता है कि तुम ये सोचो, तुम ऐसे ना सोचो, ऐसे ना सोचो। वो कहता है ठीक है जी, ऐसा हो सकता है, और आप सबको पता है हम सब लोग रोज जो भी सोचने वाला शौरी इंसान है दुनिया में वो क्या करता है, वो हर दूसरे दिन बाद, हर घंटे बाद, हर दो घंटे बाद अपने पुराने आइडियाज के ऊपर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वो देखता है कि मैं जो पहले सोच रहा था वो क्या थी, फ्लॉड थिंकिंग थी, और मे बी अब मैं क्या सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ। और आप 15 दिन बाद दोबारा जब रेट्रोस्पेक्टिव सोचते हो, वापस आके सोचते हो, तो आपको पता चलता है कि चॉइस साहब 15 दिन पहले जो आप सोच रहे थे वो भी क्या सोच रहे, गलत सोच रहे। तो इसीलिए ये एक साइकिल है, ठीक है। और ये जो सारी डायग्राम है ये क्या एक्सप्लेन करती है कि ये भी चीज डाउटेड, ये भी डाउटेड, और ये भी डाउटेड, और उसके बाद रह गए आप, और आपकी जो बॉडी है उसको भी उसने क्या कह दिया, ये भी डाउटेड। तो इसका मतलब है पीछे बच गई सिर्फ एक चीज जिस पर वो कहता है कि मैं डाउट नहीं कर सकता। यहां से लिख ले उसकी डेफिनेशन ऑफ नॉलेज कि उसके करीब नॉलेज क्या होता है या रियलिटी क्या होती है जिसके बारे में वो कहता है कि आप क्या हो, क्लियर हो, नंबर वन, नंबर टू डिस्टिंक्टिवली क्लियर हो, वो चीज ऐसे पड़ी हो ना कि जिसको आप डिनाई ना कर सकते। तो नॉलेज उसके करीब क्या है, समथिंग विच इज अनडिनाइबल, समथिंग विच इज बियॉन्ड डाउट, ये है नॉलेज। जिस पर डाउट किया भी जाए तो पता चले कि वो चीज गलत नहीं है, या उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट एरर ऑफ जजमेंट की गलती तो होती होती है हमेशा, लेकिन वो भी कोशिश करेंगे कि ना हो। तो नॉलेज फिर क्या हो गया उसके करीब, समथिंग विच इज क्लियर, डिस्टिंक्टिव, सर्टेन एंड बियॉन्ड डाउट, जिसको हम डाउट नहीं कर सकते, ये है उसके करीब नॉलेज। अब आखिरी वर्ड है और वो उसका अपना आप है, और अपने आप पर भी जब उसने डाउट किया तो पता चला कि बॉडी क्या है वो डाउटेबल है। तो पीछे मैंने बात की कि पीछे क्या बचता है आपका, माइंड। वो कहता है अब यहां से शुरू होती है, ये थी सारी समझ लीजिए ग्राउंड। अब हम बात करेंगे कि इस फ्रेज का कहां पर ताल्लुक है और कहां से। तो हमारा जो कहने लेक्चर है बकायदा वो अभी स्टार्ट हो रहा है, और अब बात किस पर आ गई, खुद के ऊपर। अब वो कहता है कि ये जो पहला वर्ड है आई, मैं, तो ये इससे हमारा क्या मुराद है, क्या हमारा माइंड मुराद है या बॉडी मुराद है। तो मेरा ख्याल है ये सारा पिछला जो बैकग्राउंड है इसको सुन के तो आप क्या बना चुके हो, एक एक परसेप्शन आप डेवलप कर चुके हो कि व्हेन एवर ही इज यूजिंग द वर्ड आई दैट मींस द थॉट्स प्रोसेस। इसके लिए फिलोसफी की लैंग्वेज होती है ना, दो बड़े खूबसूरत वर्ड्स हैं वो लिख रहे, एक को वो कहता है फिजिकल रियल और एक को वो कहता है मेंटल रियल। तो फिजिकल रियल तो बिल्कुल उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि वो आप प्लेटो की ये एलेगरी ऑफ केव आप जानते हो कि जब सेंसेस को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज रिजेक्ट कर दिया तो पीछे मैटर तो फिर रहता ही नहीं है ना, तो बचा क्या फिर पीछे, हमारा माइंड थॉट। तो वो कहता है कि जो मर्जी हो जाए, मैं गलत सोच रहा हूं, मैं सही सोच रहा हूं, इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूं, एक और वर्ड लिख रही हूं, मैं डाउट कर रहा हूं
गलत डाउट कर रहे हो या सही डाउट कर रहे हो, लेकिन डाउट तो मैं कर रहा हूं। वो कहता है दुनिया की हर चीज को मैं रिफ्यूट कर देता हूं, दुनिया की हर चीज को मैं क्या कर देता हूं, रिफ्यूट कर देता हूं, एक चीज को नहीं कर सकता, और वो क्या है कि इस टाइम राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, डाउट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सोच के ही डाउट करेंगे ना, सोच के क्या कर रहा हूं, इसका मतलब है वो कहता है कि मैं हूं, आई एम, इधर पूरा लिख रहे हैं इसको, आई एम। और कौन सा आई एम, मैं कौन हूं फिर, मटीरियल वाला कि नॉन मटीरियल वाला, नॉन मटीरियल यानी कि आपका माइंड और आपकी थॉट, ये क्या है, ये रियलिटी है। बाकी सब कुछ डाउट हो सकता है, इस पर आप डाउट नहीं कर सकते। अगली बात, अगला वर्ड है जी थिंक। अब वो कहता है कि ये जो आई है, मैं आई, ये कौन है, ये क्या कर क्या रहा है, तो ये एक ही काम कर रहा है, ये डाउट कर रहा है, ये सोच रहा है। इसका मतलब है ना मैं इररिफ्यूटेबल हूं अब, और ना ही मेरा जो सोचना है वो क्या है, इररिफ्यूटेबल है। ना मैं इररिफ्यूटेबल हूं और ना ही मेरा सोचना इररिफ्यूटेबल है, इसलिए वो कहता है कि आई थिंक। पहले मैं एग्जिस्ट करता हूं, और मैं एग्जिस्ट किस हालत में करता हूं, मेरा माइंड या थॉट मेरी क्या कर रही है, ये सोच रही। आगे से कोई आप जैसा फिलोसफर आदमी उसको काउंटर भी तो कर सकता है, और वो उसने किया है अपने उसके अंदर, जो उसकी बुक है उसके, वो कहता है कि मुझसे जब ये सवाल होता है ना कि जनाब आप गलत भी तो सोच सकते हैं, आप सही भी तो सोच सकते हैं, आपकी अकल को कोई बंदा मिसगाइड भी तो कर सकते हैं, कोई गॉड, कोई डिवाइन, कोई डीमन, कोई चीज आपके दिमाग को ट्रैप भी तो, कहते हैं यही तो सबूत है मेरे होने का कि मैं हूंगा तो कोई मुझे ट्रैप करेगा ना, मैं हूंगा तो कोई मुझे गलत रास्ते पर चलाएगा ना, मेरी बात समझ रहे। वो कह रहा है मैं सोच रहा हूं तो गलत सोच रहा हूं, अगर मैं सोच ही ना रहा होता तो फिर मैं गलत तो ना सोच रहा होता। तो वो कहता है ठीक है, आप मुझे ये कह सकते हो कि मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं हूं ही नहीं या मैं सोच ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है उसका जो सोचना है, ये अब लेके आता है हमें सेकेंड पार्ट की तरफ, देयरफॉर। अब ये देयरफॉर बड़ा जरूरी है, ये कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड से क्या मुराद है, आई एम, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि बंदे की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो साबित कर रहा है किसके साथ, उसके थॉट के साथ, उसके माइंड के साथ, कि जब भी आपका माइंड क्या कर रहा है, सोच रहा है, उस हालत, उस राइट पॉइंट पे आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूं या मैं सोच नहीं हूं। क्लियर हो गई बात? तो इस सारी चीजों की जो रेफ्यूटेशन है वो कहां तक वो लेकर आता है, इस अपने सेल्फ तक, और अपने सेल्फ में से भी वो बॉडी को क्या करते हैं, रिफ्यूट करते हैं, और माइंड जो है या थॉट उसको वो क्या करते हैं, प्राइमेसी। अब कुछ बच्चों के माइंड में सवाल आ सकता है कि जी जिस तरह प्लेटो ने क्या किया था, एक मेंटल रियाम बनाया और एक फिजिकल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेंटल का नाम क्या रखा था, आइडिया या स्पिरिट, और आइडिया या स्पिरिट उसने कहा था किस चीज से आता है, रीजन से, और जो फिजिकल चीजें उनका हमें कैसे पता चलता है, सेंसेस से। तो जितने भी बच्चे आप में से बैठे हैं, सर पूरी बात समझ आई है, उनको मैं दोबारा लिखवा भी देता हूं कि पूरी फिलॉसफी में जो मेजर दो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो कौन सी है, एक रीजन है और एक सेंसेस है। तो सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज आता है उसको क्या कहते हैं, एम्पिरिसिज्म, और जो अकल के थ्रू नॉलेज आता है उसको क्या कहते हैं, रैशनलिज्म। डेकार्ट्स ने एक तरह से दोनों को रिजेक्ट किया, कैसे, सेंसेस वाली बात तो पहले क्लियर होगी कि जब मैटर है वो फॉल्सिफाइड हो सकता है, सो सेंसेस भी क्या हो सकती है, फॉल्सिफाइड हो सकती है। पीछे रह गई एक चीज और वो क्या है, रैशनलिज्म या अकल। तो उसका भी जवाब थोड़ी देर पहले हमने दिया है कि अगर वो कहता है कि मेरी अकल क्या है, गलत है, वो कहता है अकल गलत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं इटसेल्फ, मेरा सोचना गलत या सही मैटर नहीं करता, वो दुनिया का वो सच है जिसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। और पहले थोड़ा ऊपर जाएं तो आपने लिखा था नॉलेज की उसकी डेफिनेशन, तो नॉलेज की उसकी डेफिनेशन क्या था, समथिंग विच इज बियॉन्ड डाउट, समथिंग विच कैन, विच इज क्लियर, विच इज डिस्टिंक्टिव, और इसका नाम भी उसने रखा है डिस्टिंक्शन एंड क्लैरिटी लिटमस टेस्ट, डिस्टिंक्टिवनेस एंड क्लैरिटी लिटमस टेस्ट।
कि अगर कोई भी चीज दुनिया की ये टेस्ट पूरा कर जाए तो उसको हम क्या मान लेंगे, रियलिटी मान लेंगे। तो वो कहता है दुनिया की जितनी चीजें हैं, आसमान, जमीन, अपना आप, आपके इर्द गिर्द दोस्त लोग, हर चीज को आप क्या करना शुरू कर दो, डाउट करना शुरू कर दो, करते हो करते हो करते हो, डिडक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए एक और भी वर्ड लिखने की, जो डिकार्ट्स की मेथड है वो कौन सा है, डिडक्शनिस्ट। एक इंडक्शन होती है और एक डिडक्शन होती है। तो वो ये डिडक्शन करते 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 कहां तक बात ले आए, अपने आप तक। और अपने आप में से भी उसने अपना जो बॉडी है उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर भी स्केप्टिसिज्म कर दी है, और उसके बाद उसने माइंड पर भी कर दी है। लेकिन वो कहता है कि मैं जो मर्जी कर लूं, ये जो इसके अंदर क्या आ रही है, सोच आ रही है, इस सोच को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, नो मैटर इट इज फॉल्स और इट इज ट्रू। तो ये है जी इसका मतलब कि आई थिंक, यानी कि मेरा वो जो उस टाइम टाइम एंड स्पेस में जो सोच है, वो सोच की वजह से क्या है, मैं एग्जिस्ट करता हूं। क्लियर होगी बात? और ये जिस इन्वायरमेंट में लिखी गई, उस इन्वायरमेंट में जो यूरोप था, खास तौर पर यूरोप उस टाइम था डिवाइन राइट थ्योरी के अंदर, जो चर्च था, पॉप था उनका, और जो उस टाइम की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी, वो दोनों क्या था, सेम पेज पर थे। तो बजाय कि आप आज जैसे पाकिस्तान के मुआशरे में होता है कि आप किसी भी बात पे, दुनिया की घटिया से घटिया बात को खुदा के नाम पर या मोरालिटी के नाम पर कर दो, तो लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। करोड़ों रुपए की बात आप किसी फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर दीजिए तो क्या होगा, वो उसका उसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर जाए आप, तो आप वहां पर लिखें रोजा रखने के कितने फायदे हैं या रोजा तोड़ने से क्या होता है, तो नीचे एक चैनल खुलेगा, उसके व्यूज होंगे 15 मिलियन। उधर आप लिखें फिलॉसफी के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके व्यूज होंगे 333। वो भी आप जैसे दो चार जो सरफिरे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो हमारा कुछ जो डेफिशिएंसी आज फिलॉसफी की आपको यहां हमारे माइंडसेट में नजर आती है, ठीक है, यही डेफिशिएंसी तब क्या थी, यूरोप में भी थी। तो इसीलिए डिकार्ट्स की जो किताबें थी, जो सोच थी, ये बैन भी की गई, इसके ऊपर पाबंदियां भी लगी, जस्ट बिकॉज, हालांकि अभी इसके ऊपर थोड़ी लंबी अगर हम बात करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि गॉड को इसने क्या किया, तो आप डिनाई नहीं किया, इसने गॉड को साबित किया। ये कहता है गॉड के बगैर आप सच को जान ही नहीं सकते, उसकी भी इसका, बल्कि अगर आप करना चाहते हैं तो एक वर्ड लिख लें इसका, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड। वो फिर ओवर फिलॉसफी ना हो जाए, मुझे अपने बच्चों का खतरा रहता है कि किसी को बेहोश ना हो जाए, ठीक है। यही बात अगर आप वैसे मान लेते तो फिर हम फलसफा भी पढ़ सकते थे, फलसफा पढ़ते और पढ़ाते हुए वैसे ही बंदे को मजा आता है, ठीक जी। अब वो कहता क्या है, अब जरा आर्ग्यूमेंट लीजिएगा, वो कहता है कि बेशक आपकी थॉट भी है ना, थॉट भी, वो भी क्या है, वो भी फिनाइट है। आप जितना मर्जी बड़ा सोच लें, एक जगह पर जाके आपकी सोच के इर्द गिर्द क्या लग जाएगा, दायरा लग जाएगा। तो वो कहता है कि वो जो सोच है वो फिर किसने कॉज की, क्या आपने खुद की है, एक सवाल है उसका कि क्या वो जो सोच है वो आपने कॉज की या किसी और ने कॉज की। आप अगर कर सकते होते तो फिर आप अपनी उस सोच को क्या कर लेते, एक्सपैंड कर लेते। तो जब वो नहीं कर सकते आप, तो वो कहता है कि इस दायरे के बाहर कोई इनफिनाइट बींग है, गॉड का वो क्या नाम दे रहा है, इनफिनाइट बींग है, जिसने इस सारे चीज को क्या किया है, कॉज किया है। और वो कौन है, वो गॉड है। इसीलिए वो कहता है कि इंसान को करेक्ट नॉलेज के लिए और रैशनैलिटी के लिए किसकी जरूरत है, गॉड की। क्यों? उसको हम मानेंगे इनफिनाइट, और उसके अंदर जो कुछ होगा वो क्या होगा, फिनाइट होगा। और आप में से फिजिक्स जिन बच्चों की है उनको पता है कि एनीथिंग विच इज फिनाइट वो रैशनल भी होती है और मेजरेबल भी होती है। उसको हम फिजिक्स, वरना दुनिया से खत्म हो जाए ना, फिजिक्स तो फिर दुनिया से खत्म हो जाए, फिजिक्स नाम ही किसका है, उस चीजों की स्टडी का है जो क्या है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो टाइम एंड स्पेस में आ सकती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़े। अब इस फिलोसफर का फायदा क्या है, एक तो ये कि अगर कल को इस पर 10 नंबर का 20 नंबर का सवाल आ सकता है तो आप कर सकते हो। दूसरा फायदा क्या, नहीं आता, प्लेटो आता है या हेगल आता है, या अभी मैं और भी 2-3 फिलोसफर्स कराऊंगा, तो उसके साथ क्या होगा,
फिर काउंटर रेफरेंस, यानी कि आइडियलिज्म की जो पूरी चेन होगी फिलोसफर्स की, उनके साथ साथ ये हर फिलोसफर क्या होता जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट करने से मुराद है कि आपके पेपर के अंदर क्या कॉन्टेंट के एतबार से रिचनेस आती जाएगी, और इंटरव्यू के अंदर भी आपको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि इंटरव्यू का प्रॉब्लम है। अभी आज सुबह एक बच्चे का फोन आया, उसका इंटरव्यू, कहता है जी उन्होंने सवाल पूछा है कि जो मैकेवली है उससे पहले भी क्या कभी किसी ने पावर पॉलिटिक्स पर बात की है। तो अब अगर तो आपकी थॉरो रीडिंग होगी तो आपको पता होगा, और अगर आपने सीएसएस का सिलेबस तैयार किया हुआ है तो आप कहेंगे जी कि कौशल्या तो हमारे उसमें है ही नहीं, क्या कहते हैं सिलेबस में ही नहीं। लेकिन अगर आप तैयारी करोगे स्कूल ऑफ थॉट्स के एतबार से कि जी आइडियलिस्ट फिलोसफर कौन है, रियलिस्ट फिलोसफर कौन है, तो फिर आपको वो बंदे भी तैयार करने पड़ सकते हैं या करने चाहिए जिनका सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो आपकी उस सोच को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात, डन हो गया। तो इसका जवाब जो उन्होंने फिर उनको हिंट भी दिया कि बंदे का ताल्लुक कहां से है, इंडिया से है, ठीक है, लेकिन वो जिसने पढ़ा ही नहीं है उसको बेशक जितना मर्जी हिंट दे दो उसको पता नहीं चल रहा था। तो वो आपने बुक का नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसके राइटर जो है उसके दो नाम है, ठीक है, कोई उसको कौशल्या कहते हैं, कोई उसको चांकिया कहते हैं, ठीक है, वो दोनों सूरतों में ही वो जवाब क्या होता है, दुरुस्त होता है। तो ये हमारी बात आ गई इस कॉन्टेक्स्ट में कि प्लेटो आए, डेकार्ट आए, या कल को आइडियलिज्म का कोई और फिलोसफर आए, तो ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब जी इस सारे जो हमने लेक्चर किया है इसको मैं आखिर में एक वन वर्ड में समराइज कर रहा हूं कि जिन बच्चों को और जो बिगनर्स हैं और या जो जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनको मैं मैसेज दे रहा हूं, 6 वर्ड्स के ऊपर अपनी कमांड ले आओ तो फिलॉसफी आपके हाथ में आ जाए। नंबर 1 मेटाफिजिक्स, नंबर 2 एपिस्टेमोलॉजी, नंबर 3 मैटर, नंबर 4 आइडिया, नंबर 5 एम्पिरिसिज्म, नंबर 6 रैशनलिज्म। ये 6 वर्ड से अगर आपको ये 6 वर्ड्स के अंदर भी फलसफा मुश्किल लग रहा है ना, तो फिर आपको सॉरी टू से फिर आपको फिलॉसफी नहीं रखनी चाहिए, या आपको ये कम से कम दावा नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं या मैंने जस्टिफाई करना है। नंबर तो खैर कभी आते हैं और कभी नहीं आते, ठीक है। अब वजह क्या है, अब जिस बच्चे ने प्लेटो पढ़ा हुआ, मैं दोबारा रिवाइज करा देता, उसको पता है कि प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है, आइडियलिज्म, और उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, रैशनलिज्म। तो मुझे बताएं जो डेकार्ट, क्या उसने मटेरियलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया, किया उसके बाद उसको एम्पिरिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है उसकी सारी बहस ही किसके साथ, आइडिया से मुराद माइंड या थॉट के साथ है, और नॉलेज किसके थ्रू आ रहा है, सोचने से, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो इसका मतलब है पूरे का पूरा डेकार्ट 2 लफ्जों में छुपा, एक आइडियलिज्म और दूसरा रैशनलिज्म, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। ये इसका फ्रेंच है, इसका ओरिजिनल वर्ड्स, ये भी आप नोट कर लें, और ये इसका लैटिन तर्जुमा है, ठीक है, कोगिटो एर्गो सम, ये इसका, और ये इसी का, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने खुद बनाई सिर्फ किसके लिए कि पेपर में अगर आप जाते हो, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये इसमें प्रेजेंटेशन में आप बड़ा कहते हैं डायग्राम्स बनाएं, तो डायग्राम बनती है जब आपकी क्लैरिटी हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। ये कोई हदीस नहीं है कि आपने यही बनानी है, लेकिन मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मेरा जो मैंने लेक्चर से पहले प्लान किया हुआ था वो ये था कि अगर मैं अपने बच्चे को ये समझाने में कन्विंस हो गया कि जो चीजें हम मानते हैं बाज़ुकात वो सच नहीं होती, तो उसके बाद हम कुछ और सच को उसके साथ क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, अपना फेसबुक खोलिए, 2011 12 13 14 की अपनी पोस्ट निकाल के देखिए, आपको खुद क्या आएगी, हंसी आएगी अपने ऊपर कि वंस आई वाज यू नो मैं एक ऐसा भी फिलोसफर हुआ करता था, ठीक है। तो आजकल जो आप लगाते हो आपको लगता है कि नहीं, आज का वकास 10 साल के वकास से ज्यादा क्या है, इंटेलेक्चुअल है, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर 10 ईयर्स You will laugh on your old beliefs as well. और करते 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 जो अकलमंद आदमी होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको आप पूछो कि हकीकत क्या है, तो उसके पास शायद कोई जवाब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में जितनी भी चीजों को ऑब्जर्व कर चुका होता है वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी चीज ने उसको धोखा दिया होता है, तो एंड पे वो कह देते हैं कि फिर एक ही चीज है बस, और वो ये है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है जी, डन हो गया। तो दैट्स इट।
फलसफे की सबसे अच्छी बात, कोई लस्सी नहीं है, कोई इसमें लंबी चौड़ी हेडिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको समझ आ गया उसके लिए ये दो पेजेस का सवाल है। डन हो गई बात, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो भी फिलोसफर होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं अभी हम उसके ऐड बना के तो आपको नोटिफाई कर देंगे। इसके ऊपर रीडिंग मटेरियल मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो पढ़ के सुन के। तो अगर आपको मैं एक और भी सहूलत दे दूं, वेदर यू आर माय स्टूडेंट और नॉट, व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम आप इसको लिख के ले आए, तैयार करके लिख के ले आए, मुझे जमा करा दे, मैं आपको चेक भी करा, डन हो गई बात, ताकि वो जो फियर है ऑफ राइटिंग फिलोसफी वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और चूंकि हमारी आदत है कि हमने जब तक किसी चीज की 16 हेडिंग तैयार ना की हमें लगता है हमारा सवाल तैयार नहीं है। तो आपकी सहूलत के लिए जानबूझ के मैंने आई वर्ड अलहदा बात की है, थिंग को अलहदा से लिखा है। तो जिनको हेडिंग्स बनाने का शौक है वो आई के नीचे हेडिंग्स बनाए, थिंग के नीचे हेडिंग्स बनाए और आई एम के नीचे हेडिंग्स बनाए, और फिर इनकी क्या देते जाए एक्सप्लेनेशन। और एक चीज को कभी नहीं भूलना, एक टेस्ट बता रहा हूं फिलोसफी का, जो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में छोटी छोटी चीजों में एग्जाम्पल्स नहीं ढूंढ सकता ना किसी फिलोसफर की, समझिए कि वो फिलोसफर अभी तक आपको मुकम्मल समझ नहीं आया। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि फलसफा मरीज का सब्जेक्ट है, दे आर मिस्टेकन। फलसफा मेरी और आपकी जिंदगी के बहुत बुनियादी जो मसले हैं उनका वो क्या है सब्जेक्ट है। और मसला क्या है ये देखें, डिकार्ट्स ने शुरू कहां से किया कि हकीकत क्या है और मैं उस हकीकत को कैसे जान सकता हूं, और करते 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 वो मल्टीपल चीजें करके तो एंड पे वो किस जगह पर पहुंचता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम डन हो गया जी। चलिए थैंक यू जी। और जिन बच्चों को वो है क्या कहते हैं अभी भी कुछ समझ नहीं आया या इसको दोबारा भी सुनना होगा तो वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर हम डाल देंगे। डन जी, चलिए थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।